नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं वो देखेंगे और ये सब हम जानेंगे एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा। और परीक्षा में आने पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में मुख्यतः होती हैं, लेकिन इस ट्रिक को देखने के बाद आपकी जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगी और आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन सी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में मुख्यतः होते हैं। बस आप जीके संसार से जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए उस ट्रिक को हम देखते हैं और जानते हैं कौन कौन सी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में होती हैं। तो आइए, जो हमारा ट्रिक है वो है ओ मीना कल का जल लाना। ओ मीना कल का जल लाना, ठीक है। तो जो कल यहाँ पे है वर्ड, उसको हम हैंडपंप बोलते हैं, हैंडपंप, लेकिन इसको गांव की बोलचाल की भाषा में से कल भी बोला जाता है, ठीक है। तो और एक बात और, इसमें जो ब्लैक कलर से लिखा है ये सिर्फ सेंटेंस को सुंदर दिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, बाकी जितने भी हैं लेटर्स उसके मीनिंग्स हैं उसको जब हम एलाबोरेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी गैसे ग्रीन हाउस में होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले वो से हो जाएगा हमारा ओजोन, ठीक है, O3। उसके बाद आता है मीना, मीना का जो मी है उससे हमारा हो जाएगा मीथेन CH4। उसके बाद आता है ना, ना का से हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, और जो कल है जिसे हम हैंडपम्प हमने बोला था उससे हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो का है इससे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जो जल है जल से हो जाएगा हमारा वाटर वेपर जल वाष्प, ठीक है। यानी कि ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में मुख्यतः होती हैं और यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस ट्रिक के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में जो जो गैसें हैं वो याद हो गई होंगी और किसी भी परीक्षा पूछे जाने पर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको मेरा सहयोग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।